तो कैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा अपना कलेजा फूंकता उस नामालूम कलमुनी को कोस रहा था जिसकी नजर यूवर स्टूडी की फेमस लक को लग गई थी। जबकि मेरे टेलीफोन का बजर बजा, मैंने रिसीवर उठाकर टेलीफोन का सिक्रेटरी वाला बजर दबाया। बोल, मैं भुनभुनाता हुआ माउथ पीस में बोला। मुबारक हो, रजनी की आवाज आई। किस बात की? एक बहन जी लाइन पर है, आवाज तो बहुत प्रामिसिंग है, बनी हुई भी आपकी पसंद के मुताबिक निकल आए तो टेलीफोन लाइन के जरिए ही खींच लीजिएगा। तू लाइन पर से हटेगी तो कुछ ऐसा मुमकिन होगा ना? वो हंसी कमबख्त हर बात पर हंसती थी, लेकिन क्या दिल फरेब हंसी हंसती थी। एक हंसी से ही दिल जिगर कलेजा फेफड़े सब की दुख की पीट देती थी। नाम क्या बताया? प्रत्यक्ष। मैं बोला, नहीं बताया, नहीं बताती, सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। क्यों बात करना चाहती है? इसका तो कोई हिंट दिया होगा, कोई फ्रेंड मुसीबत में बताती है जिसके लिए आपकी मदद कारगर साबित हो सकती है। फ्रेंड का बहाना ही होता है, असल में खुद मुसीबत में होगी। अच्छा, जैसा मर्दाने बीमारियों के सताए नौजवान किसी से क्लिनिक से मशवरा चाहते हैं तो बीमारी अपने किसी फ्रेंड को ही बताते हैं। एन ऐसे ही आप बहक रहे हैं, उसे बोल टेलीफोन पर कोई मशवरा मुमकिन नहीं, इसलिए आप इसमें आकर मिले। ठीक है, या उसके आने की क्या जरूरत है? उस फ्रेंड को भेजो जो कि मुसीबत में है और जिसे सुधीर कोहली T111 के मशवरे की आवश्यकता है। ये भी ठीक है, लाइन कट गई। बड़े आशापूर्व भाव में मैं अपने संभावित क्लाइंट की प्रतीक्षा करने लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने खादिम को भूले नहीं होंगे, लेकिन अगर इत्तेफाकन ऐसा हो गया तो मैं आपको अपना परिचय फिर से दिए देता हूँ। यूर्स ट्रूली को सुधीर कोहली कहते हैं। खाकसार प्राइवेट डिटेक्टिव यूनिवर्स इन्वेस्टिगेशंस, विशाल भवन, 34 मंजिल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 के उस दुर्लभ धंधे से ताल्लुक रखता है जो हिंदुस्तान में अभी ढंग से जाना पहचाना नहीं जाता, लेकिन इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या बंदे का, दिल्ली शहर में आपके खादिम की बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव अच्छी खासी पूछ है। तंबाकू और आलू की तरह प्राइवेट डिटेक्टिव भी पहले हिंदुस्तान में नहीं होते थे, लेकिन अब होने लगे हैं। बहुतायत में तो नहीं, लेकिन होने लगे हैं। अपने दिल्ली शहर में आज की तारीख में कोई दर्जन पर प्राइवेट डिटेक्टिव तो थे ही, जो कि खाकसार के नाम के साथ टेलीफोन और बिजनेस डायरेक्टरी के ये दर्ज थे। वो मेरे ऑफिस में पहुंची तो मैंने खुर्दबीनी निगाह से उसका मुआयना किया। वो एक महरून कलर का सलवार सूट पहने हुए थी। उसकी सांस कुर्सी पर बैठ चुकने के बाद भी तेज तेज चल रही थी, जिसकी वजह से उसका मुतवक्ष एकाएक गिरापान से झांकता था और एक छलावे की तरह वापस पोशाक में समा जाता था। वजह पता नहीं उसकी परेशानी थी या ये कि वो लिफ्ट पर सवार होने की जगह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर 34 मंजिल पर पहुंची भी थी। बहरहाल नज़ारा दिलकश था। मेरी पसंद की बाकी तमाम खूबियां भी उसमें थीं, जैसे पतली कमर, भारी नितंब, लंबे सुडौल गोरे चिट्टे हाथ पांव, खूबसूरत ने नक्स कंधों पर लहराते बड़े स्टाइल से कटे हुए बाल वगैरह। खास ऐसी लड़कियां मुझे पसंद थी। ऊपर से वो मुसीबत जदा हूँ, यूवर स्टूडियो की मदद की तलबगार हूँ तो जैसे सोने पर सुहागा। विराजिए, मैं बोला। थैंक यू, वो बोली और तनिक नर्वस भाव से एक कुर्सी पर ठहर हो गई। तो मैं अपना सिगरेट एस्ट्रे में झोंकता हुआ बोला, शुरू करें। क्या शुरू करें? वो सब पकाई सी बोली, वही जिसके लिए खुदा ने पहले आदम को बनाया और फिर पसली निकाल कर हुआ को बनाया। जी भाई, दुनियादारी के काम। मैं एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तो आपकी कोई सहेली मुसीबत जदा है? मैंने सहेली कब कहा? आपने नहीं कहा? मैंने कहा। जब मैंने नहीं कहा तो आपने कैसे सोच लिया कि जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ कोई लड़की है? कोई खास वजह नहीं, समझ लीजिए कि इल्हाम हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो आप कह दीजिए कि ऐसा नहीं है। जवाब देने की जगह उसने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला।
आप, मैं बोला, शुरुआत अपने नाम से कर सकती हैं ना, आपका या सहेली का या फ्रेंड का, फिलहाल कोई नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझती। अच्छा, जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ, अगर उससे आपको इत्तेफाक न हुआ या आपके लिए हमारी कोई मदद करना नामुमकिन न हुआ, तो फिर नाम की क्या अहमियत रह जाएगी। ये भी ठीक है, बहरहाल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कुछ कहने जा रही हैं या पहले फ्रेंड से मशवरा करेंगी, ऐसा ज़रूरी समझें तो टेलीफोन हाजिर है, बात कर लीजिए फ्रेंड से। उसने टेलीफोन की तरफ निगाह तक न उठाई। मुझे और भी यकीन हो गया कि जो कहानी वो कहने जा रही थी या शायद कहे बिना वहाँ से उठकर चल देना चाहती थी, वो उसकी अपनी आपबीती थी, यानी कि फ्रेंड का हवाला फर्जी था। आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में, एकाएक वो बोली। उस निरर्थक प्रश्न पर मैं तनिक पकाया और फिर बोला, बढ़िया बनी हुई हैं आप, नौजवानी अब खूबसूरती में भी आप बेमिसाल। मेरा तो मतलब ये नहीं था, वो जल्दी से बोली। तो क्या मतलब था? आप जासूस हैं, जासूस तो बिना बताए भी बहुत कुछ भांप जाते हैं। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, खत का मजबूत भांप लेते हैं लिफाफा देख कर, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देख कर, यही समझ लीजिए। तो मेरा इम्तिहान लेना चाहती हैं आप? नहीं, इम्तिहान तो नहीं लेना चाहती, अलबत्ता ये तसल्ली ज़रूर चाहती हूँ कि मैं सही जगह पहुँची हूँ। आईसी, मैंने गौर से उसे देखा और फिर बोला, मेरे ख्याल से आप शादीशुदा नहीं हैं। आपका लहजा बताता है कि आप पंजाब हैं। कानों में मुश्किल से 6 माह से सोने के टक्स, बाएं हाथ की एक उंगली में लगभग इतने ही वजन की अंगूठी, दाएं हाथ में 2 चूड़ियां और आपकी पोशाक इस बात की चुगली करती है कि आपकी माली हैसियत दरमियाने दर्जे की है। आपका हेयर स्टाइल, मेकअप का तरीका और रखरखाव आपके शो बिजनेस में होने की चुगली करता है। उसकी बमें उठी। छोटा मोटा फिल्म कैरियर या टीवी या स्टेज कला से ताल्लुक रखती रही तो मनोरंजन से ताल्लुक रखती, जैसे किसी होटल की, किसी नाइट क्लब की या किसी कैबरे जॉइंट की। शायद इसीलिए आप अपने पास हथियार रखती हैं। हथियार? वो चमची जिसकी नाल आपके सामने पड़े आपके हैंडबैग में से बाहर झांक रही है। उसने झुककर मेज पर से हैंडबैग उठाया और उसे मेज के नीचे अपनी गोद में यूं रख लिया कि वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। कैसे जाना? वो सस्पेंस भरे स्वर में बोली। एक्सरे आइज तो नहीं है मेरी, लेकिन जाना। कैसे? बैग के एक कोने की सिलाई उधड़ी हुई है, उसी में से किसी गन की नाल बाहर झांक रही थी। कोई बड़ी बात नहीं कि गन के वजन की वजह से ही बैग की सिलाई उधड़ी हुई। उसने जल्दी से निगाहें झुकाकर बैग का मुआयना किया। सल्यूशन, या बैग बदलिए या गन, या बैग भारी लीजिए या गन हल्की लीजिए। उसने सहमति में सिर हिलाया। वैसे गन की बाबत मेरा अंदाजा है कि वो 60 बैरल पिस्टल है, ऐसी छोटी नाल वाली पिस्तौल स्मिथ एंड वेसन की आती है। अच्छे जासूस हैं आप, अच्छी जासूसी करते हैं। और भी कई काम हैं जो मैं अच्छे करता हूँ, कभी आजमा के देखिए। जरूर। गन क्यों रखती हैं? मैं नहीं रखती, फ्रेंड रखती है, उसी ने आज जबरन मुझे दी हिफाजत के लिए। यानी कि आप कबूल करती हैं कि जो फ्रेंड बकौल आपकी मुसीबत में है वो कोई लड़की है? हाँ। उसने एक बार फिर पहलू बदला और फिर बोली, वो समझती है कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है, कोई उसे मार डालना चाहता है। ऐसा समझने की वजह? पिछले 2 हफ्तों में कई बार उसका पीछा किया गया था, कई बार रात के अंधेरे में अनजान नामालूम लोगों को उसने अपने पीछे लगा पाया था। उसे अंदेशा था कि मेरे आपकी तरफ का रुख करने पर मेरा भी पीछा हो सकता था, इसलिए ये वक्ती तौर पर मेरे पास है। यानी कि आपकी अभी भी यही जिद है कि जो प्रॉब्लम है वो आपकी किसी सहेली की है, खुद आपकी अपनी नहीं है। मिस्टर कोहली, वो तनिक चिढ़े स्वर में बोले, किसी पर एतबार करना नहीं सीखे? मालूम होते हैं आप, एतबार दो तरफा होता है, मुझे मालूम है। मेरी तरफ से एतबार में कोई कमी नहीं, इसका यही काफ़ी सबूत है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बजा फरमाया, आप काफ़ी पियेंगे? नहीं, बढ़िया बनती हैं यहाँ। मेरे यहाँ पहुँचते ही आप काफ़ी की पेशकश की होती तो मैं कबूल कर लेती, लेकिन अब नहीं। फौरन ऐसा न करने पर, मेरे सारी बोलने पर भी नहीं।
छोड़िए वो किस्सा, अभी हमारे बीच आपकी किसी फीस का जिक्र नहीं आया। उसकी क्या कोई खास वजह है? कोई खास वजह नहीं, सिवाय इसके कि अभी फीस के लायक कोई बात ही नहीं हुई हमारे में। अलबत्ता आपकी कोई फीस हो तो बोलिए। मेरी फीस? वह पकाई यहाँ मेरे सामने मौजूद रहकर मुझे अपनी खूबसूरती का लुत्फ उठाने का मौका देने की? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक अच्छा कर लेते हैं। मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन आप कहती हैं तो चलिए ऐसा ही सही। तो आपकी फीस मैं जरूर चार्ज करूँगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन आपकी बात सुनने की कोई फीस नहीं है। मुझे कोई काम दिखाई देगा जो मैं आपके लिए या आपकी सहेली के लिए कर सकता हूँ तो फीस भी चार्ज कर लूँगा। सहेली के बारे में आप इत्मीनान रखिए, वो है, उसकी कहानी फर्जी नहीं है। आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। मान लीजिए, ओके। लेकिन अब खुदा के वास्ते सहेली के जिक्र से आगे बढ़िए। कौन है आपकी सहेली? मैं उससे कोई 7-8 महीने पहले मिली थी। तब हम दोनों ही छोटे मोटे टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल किया करती थी और किसी बड़े ब्रेक के लिए मंडी हाउस के चक्कर लगाया करती थी। एक बार मुलाकात हो जाने के बाद खर्चा बचाने की नीयत से हम इकट्ठी रहने लगी थी और काम पाने की अपनी तलाश में भी इकट्ठी निकलने लगी थी। कामयाबी मिली? नहीं मिली। इसीलिए 2 महीने पहले उसने वो लाइन ही छोड़ देने का फैसला कर लिया और एक नाइट क्लब में होस्टेस की नौकरी कर ली, जहाँ की उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया। कौन सी क्लब? शुरू में तो बॉयफ्रेंड से मेरे सवाल को नज़रअंदाज करती हुई वो बोली, फ्रेंडशिप का सिलसिला कैजुअल ही चला, लेकिन फिर एक रोज वो मेरे से बोली कि वो उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद हो उठा था। वो बहुत पैसे वाला शख्स था, इसलिए मैंने यही कहा कि वो उसे मगालते में रखने के लिए महज शादी का चारा डाल रहा था उसके सामने। लेकिन उसका यही दावा था कि वो शादी के मामले में सीरियस था। फिर पंगा पड़ गया। क्या हुआ? कब हुआ? 2 हफ्ते पहले हुआ। 2 हफ्ते पहले किसी ने टेलीफोन पर बड़े सख्त लहजे में उसे धमका कर कहा कि वो शादी के इरादे से बाज आए वरना अंजाम बुरा होगा। उसने कॉल को नज़रअंदाज कर दिया। फिर 2 दिन बाद जब वो क्लब के बंद हो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से रुखसत हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा था। एक कार मुतवातर उनकी कार के पीछे लगी रही थी। ऐसा ही अगली रात फिर हुआ। फिर आज एक और टेलीफोन कॉल आई। फ़ोन करने वाले ने मेरी सहेली को कहा कि वो उसके लिए आखिरी बार नहीं थी। तब हमें लगा कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत थी। तब मैंने आपको फ़ोन किया। पता कैसे जाना? डायरेक्टरी में देखा, येलो पेजेस में। ओ, वहाँ तो और भी प्राइवेट डिटेक्टिव दर्ज हैं। मालूम है, मैंने किसी को तो फ़ोन करना ही था, इसलिए उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ओह, अच्छा हुआ आपने मेरी ये खुशफहमी दूर कर दी कि आपने खास मुझे चुना था। वो क्या है कि नेवर माइंड। तो ये है कहानी। बॉयफ्रेंड क्या कहता है इस बारे में? उसने हमने कोई बात नहीं की। ताज्जुब। मेरा मतलब है, फिलहाल जिस शख्स की वजह से आपकी सहेली को इतनी बड़ी धमकी से दो चार होना पड़ रहा है उसी से आपने कोई बात नहीं की इस बाबत? वो खामोश। टेलीफोन करने वाला कौन था? पता नहीं, कैसे हुआ? शायद आवाज़ जानी पहचानी नहीं थी। उसने खुद बताया था कुछ अपने बारे में? नहीं। और कार पर पीछा करने वाले वो कौन थे? पता नहीं, रात के वक्त क्या पता लगता है। हेडलाइट्स जली हुई हों तो उनके पार कार में बैठे किसी शख्स की सूरत कहाँ दिखाई देती है। कार का नंबर मालूम हो? नहीं मालूम। आपको शरलॉक होम्स के पास जाना चाहिए था। क्या मतलब? या किसी जादूगर के पास जो गिली गिली करे, जादू का डंडा हिलाए और सब असलियत सामने आ जाए। मिस्टर कॉली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। छोड़िए वो किस्सा, अब एक आसान सा सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने बताया तो, क्योंकि मैंने आपको फ़ोन किया था आपका नाम येलो पेजेस में देखकर। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप मुतमईन हैं कि टेलीफोन पर मिली धमकी फर्जी नहीं है, जब आप इसे जान जोखिम का सिलसिला तस्लीम भी कर चुकी हैं, इस हद तक तस्लीम कर चुकी हैं कि पास गन रखती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर तो आपको पुलिस के पास जाना सूझना चाहिए था। हमें पुलिस से डर लगा, क्या कहने, हमारा अंदेशा गलत निकलने की सूरत में पुलिस हमारे गले पड़ सकती है। गले पड़ने से तो मुझे भी इतराज नहीं, लेकिन वो किस्सा फिर कभी। बहरहाल आप पुलिस जैसी विस्तृत और ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के पास नहीं गई, मेरे जैसे लोन रेंजर के पास आई। अब यह भी बता दीजिए कि क्या क्या उम्मीद करती हैं आप मेरे से। आप मेरी सहेली पर निगाह रख सकते हैं और यूँ ये मालूम कर सकते हैं कि रात को कौन लोग उसका पीछा करते हैं, यूँ आपको किसी कातिलाना हमले से उसे बचा सकते हैं। लिहाजा आपकी ज़रूरत एक डिटेक्टिव की नहीं, एक बॉडी गार्ड की है। आज की कहानी का भाग यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही कहानियों का आगे अनुभव करें और आनंद लें।